चलिए थोड़ा सा पीछे से शांति सब लोग रखिए। देखिए आज ये बैठक इसलिए हम लोग बुलाए हैं क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का एक लंबा संघर्ष चला है। पिछले 4 सालों से शिक्षक अभ्यर्थी जो थे वो 7वें चरण की बहाली का इंतज़ार कर रहे थे और इस बीच में सरकार ने कई बार तारीखें दी, कई बार विधानसभा के अंदर तारीखें दी गई, सचिवालय शिक्षा विभाग से कई बार तारीख दी गई, लेकिन हर बार लोगों को सिर्फ आश्वासन, खुला आश्वासन ही मिलता रहा। लेकिन अंत में जब छात्रों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने नई नियमावली को मंजूरी दी है तो उस नियमावली में कुछ इस तरह के शर्त लगा दिए गए हैं जिससे आज पूरे बिहार के भीतर शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में निराशा और संशय की स्थिति बनी हुई है। और इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पटना में आकर के ये भी कहा कि इस नियमावली में जो परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया है उसमें 7ों महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनसे सहमति ली गई है। यहां पर भाकपा माले की तरफ से महागठबंधन के एक प्रमुख घटक दल होने के तौर पे हम आप सब लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि इस सिलसिले में हमारी पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई है। महागठबंधन के भीतर एक संयोजन समिति बने जो आने वाले समय में नीतियों के निर्धारण में मिल बैठ करके कुछ तय करे, ये हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद ये अभी तक नहीं हुआ है और इतने महत्वपूर्ण सवाल पे जिसपे बिहार के भीतर करोड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे पर बगैर कोई बातचीत करके एकदम लास्ट मिनट में नियमावली के भीतर ये प्रावधान किया गया है कि सबको दोबारा से बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। अब जब नियमावली का शुरुआती ड्राफ्ट बना, आप सब लोग जानते हैं कि विधानसभा के भीतर हम लोगों ने जब कई बार इस मुद्दे को उठाया तो सरकार ने ये कहा कि जब नियमावली बनेगी तो आप लोगों से राय मशविरा लिया जाएगा और सच बात है कि राय मशविरा हम लोगों से लिया गया। नियमावली के ड्राफ्ट दिखाए गए और उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और संशोधन लिख करके सरकार को दिया। उसमें हमारी पहली मांग थी कि जो भी शिक्षकों का नियोजन आप कर रहे हैं या आने वाले समय में करेंगे या जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं इन सबको सम्मानजनक वेतनवान वाला राज्य कर्मी का दर्जा सरकार को देना चाहिए, ये पहली मांग हमारी थी। इसके अलावा डोमिसाइल लागू हो, ये हमने मांग उठाई। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए, ये मांग उठाई। और नियोजन इकाइयों का जो मकरजाल बिहार के भीतर 9000 से ज़्यादा बिछा हुआ है उसको सॉर्ट आउट करके एक रास्ता बनाइए और साथ ही साथ जो 2020 की सेवा शर्त नियमावली थी उसमें जो प्रावधान किया गया था नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण का, उसका रास्ता आप क्लियर कीजिए। ये प्रमुख मांग हम लोगों ने सरकार को लिखित में दिया। और कुछ दिनों बाद जब फीडबैक लेने हम वहाँ पहुँचे तो हमें इत्तला की गई कि आपकी सारी मांगें मान ली गई है। तो हमें यकीन नहीं था कि राज्यकर्मी वाला भी मांग शायद सरकार ने मान लिया होगा, लेकिन जब बाद में ये पता चला, जब नई नियमावली खुल करके सामने आई तो ये शुरुआत में तो हमें अच्छा लगा कि नई नियमावली में राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था के भीतर जब तक शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा तब तक शिक्षा में बेहतरीन क्वालिटी की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, ये हम लोगों की प्रमुख मांग थी। और जब हमें लगा कि नियमावली में इस मांग को मान लिया गया है तो हमें लगा कि बढ़िया कदम हुआ। लेकिन जब उसका ड्राफ्ट सामने हमारे आया और हमने पूरी ड्राफ्ट पढ़ी तब ये बहुत खुल करके हमें समझ में आया कि इसमें बहुत एक अद्भुत तरीके का कंडीशन सरकार ने लगा दिया है। और वो कंडीशन था कि पुराने शिक्षक जो बिहार में नियोजित हैं उन सबको बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी तभी वो राज्यकर्मी बन पाएंगे। इसके साथ साथ 4 साल से जो छात्र नई बहाली के 7वें चरण की बहाली के इंतज़ार में हैं
उन छात्रों को भी परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है और इसमें कई तरह के संशय सामने आ गए हैं। इसीलिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, बैठक में उन तमाम बिंदुओं को हम लोग सुनेंगे, उसको संग्रहित करेंगे और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर उसमें है कि नई नियमावली में जो स्टेक होल्डर्स शिक्षा विभाग के तहत आते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब जिनके जिनके ऊपर इसका प्रभाव होगा, जिनके ऊपर इनका असर होगा, जैसे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक या बिहार में सीटेट बीटेट और स्टेट उत्तीर्ण जितने अभ्यर्थी हैं वो, तो इन तमाम स्टेक होल्डर्स की जो इच्छा है वो सरकार सुने, इनके जो कंसर्न है उसको सरकार सुने। और इसलिए शिक्षा के अंदर ये जो नई नियमावली आई है जिसमें परीक्षा का प्रावधान किया गया है, हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि इस पर पुनर्विचार हो। इस तरीके से 4 सालों के इंतज़ार को आप अचानक से बदल नहीं सकते हैं। खेल के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदल सकता है। स्टेट 2019 की परीक्षा से बिहार में पहले से ही शारीरिक शिक्षक जो हैं वो कार्यरत हैं, 1 साल से कार्यरत हैं। उसी परीक्षा से जो अन्य विषय के छात्र हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। तो इसीलिए एक पैटर्न सबके लिए होना चाहिए और इसलिए सरकार की अगर कोई चिंता है कि हमें परीक्षा लेनी है तो आप 7वें चरण की नियुक्ति पहले कीजिए, उसके बाद आप पहले से इस बात की घोषणा करके रखिए कि हमें परीक्षा लेनी है, तो परीक्षा देने में किसी को कोई एतराज़ नहीं। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार की चिंता जो दिखने में लग रही है, और एक हिस्से में ये बात जा रहा है कि सरकार शायद शिक्षा विभाग में गुणवत्ता को लेकर के कंसर्न है, तो ये कंसर्न से हम लोग का कोई एतराज़ नहीं है। गुणवत्ता निश्चित तौर से उसमें होनी चाहिए और इसीलिए शिक्षा के भीतर क्वालिटी को मजबूत करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के पास इतने तरह के काम सरकार ने पहले से दे रखे हैं कि वो साल में आधा समय शिक्षकेतर कार्यों में लगे रहते हैं, शैक्षणिक से इतर काम जो हैं उस काम में लगे रहते हैं। तो इस चीज़ पे हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया हुआ है, उस काम को सरकार को उनसे नहीं करवाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी बिहार के भीतर जातीय जनगणना चल रहा है, हाई कोर्ट ने पहले ही कहा है कि इस तरह के कार्य शिक्षकों से न लिया जाए और इसके लिए पहले से ही सरकार ने एक बहाली कर रखी थी सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ की। वो तमाम छात्र जो हैं वो आज अपने रोजगार को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 1.5 साल काम किया था और अच्छा काम करने के बावजूद उनको हटा दिया गया। तो जो काम शिक्षकों का था, पढ़ाने का काम, उनसे सिर्फ वही लिया जाए। जो काम सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के छात्रों का है उनसे उनका काम लिया जाए ताकि उनका भी एक रोजगार चले। तो इस तरह के और भी कई सारी मांगे हैं, जैसे स्कूलों के अंदर मूलभूत ढांचे की बात, जैसे स्कूलों के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए सरकार से हम ये मांग करेंगे, एक डेलीगेशन हमारी पार्टी का महागठबंधन के घटक दल और जो हैं उनसे हम लोग मीटिंग करेंगे जल्द ही, और उनसे बात करके एक ठोस प्रस्ताव हम लोग सरकार के पास ले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से बात इस पर होगी और बात करके हम लोग अपना डिसएग्रीमेंट जो हमारा है वो हम लोग उनसे साझा करेंगे और इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो बहाली है वो बगैर परीक्षा के हो और अभी से सरकार घोषित कर दे अगर 8वें चरण के लिए इनको कोई और कुछ करना है। तो यही बात हम लोग आज करेंगे और आज की बैठक में हम लोग इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। छात्रों का इससे इतर अगर कोई और कंसर्न है तो उसको यहाँ सुना जाएगा, उसको नोट डाउन करेंगे और उसको फिर हम लोग आगे चैनलाइज करके सरकार तक पहुँचाएंगे। यही आज का मीटिंग का मीडिया के साथियों के लिए यही ब्रीफ रिपोर्टिंग है। देखिए, हमने कोई चयन नहीं किया है किन किन शिक्षक संघ को बुलाना है, इसमें कोई चयन का आधार नहीं है।
जितने भी शिक्षक संघ हैं बिहार के अंदर, नियोजित शिक्षक संघ, जिनका कॉन्टैक्ट का नंबर हमें जुगाड़ हो पाया, जहाँ जिनका हम कहीं से तलाश सके, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है। उसमें से अधिकांश लोग आए हैं, कुछ लोग साथी अभी आ रहे हैं। तो शिक्षकों की बैठक इसके जस्ट बाद हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें से अधिकांश जो हैं वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और उसमें से भी जो ज़्यादातर लोग हैं वो ST ET पास अभ्यर्थी हैं।